समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद अखिलेश और मुलायम गुट में सुलह की कोशिशें नहीं हो पाई और अब दोनों गुटों की नजरें चुनाव आयोग पर है, जहां कल आयोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर फैसला सुनाएगा। इस बीच मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग दोनों पक्षों की बात सुन चुका है। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि आयोग साइकिल के निशान को फ्रीज कर देगा, मतलब किसी भी पक्ष को साइकिल नहीं मिलेगी, दोनों को दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। वहीं इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को साइकिल नहीं मिलने की सूरत में चुनाव चिन्ह के तौर पर वह मोटरसाइकिल की मांग कर सकते हैं। मोटरसाइकिल तेज विकास के प्रतीक के तौर पर प्रचारित की जा सकती है। वहीं इस बीच अखिलेश यादव का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ना ही साइकिल का चुनाव चिन्ह दिख रहा है और ना ही मुलायम सिंह यादव नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में यूपी की कई तस्वीरें दिखाई दे रही है और इस गाने के बोल हैं, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। इस वीडियो से इन खबरों को भी बल मिल रहा है कि शायद अखिलेश यादव साइकिल का चुनाव चिन्ह छोड़ सकते हैं। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का गुट हल जोतता किसान के निशान पर चुनाव लड़ सकता है। लोकदल के इस चुनाव चिन्ह से मुलायम सिंह का पुराना नाता है। तो शुक्रवार यानी कल का दिन समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर बड़ा फैसला सुनाएगा। कल साफ हो जाएगा कि आखिर साइकिल की सवारी कौन करेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।